इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट। और चलिए न्यूज ब्लास्ट में सबसे पहले बात करते हैं आज राहुल गांधी की, जिनका दो दिन का राजस्थान दौरा रहा। और सबसे पहले राहुल गांधी की रूपनगढ़ सभा की झलकियों की बात करते हैं, जहां सभा स्थल पर दिखा राहुल गांधी का क्रेज। राहुल गांधी ने संबोधन के बाद किया ट्रैक्टर ड्राइव, ट्रैक्टर रैली के दौरान खुद चलाया ट्रैक्टर और राहुल के ट्रैक्टर पर सवार हुए गहलोत और जुटराष्ट्र। सभास्थल दिखा पूरी तरह से हाउसफुल, मौके पर उमड़ी लगभग 15,000 लोगों की भीड़। भीड़ का उत्साह देख खुद राहुल गांधी और गहलोत भी हुए गदगद। तो चलिए एक बार फिर से आपको बताते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी की रूपनगढ़ सभा की झलकियां रही। सभा स्थल पर राहुल गांधी का क्रेज देखने को मिला। राहुल गांधी ने संबोधन के बाद ट्रैक्टर ड्राइव किया, ट्रैक्टर रैली के दौरान खुद ट्रैक्टर चलाया और राहुल के ट्रैक्टर पर सवार हुए गहलोत और जुटराष्ट्र। सभा स्थल पूरी तरह से हाउसफुल दिखा, मौके पर लगभग 15,000 लोगों की भीड़ उमड़ी और भीड़ का उत्साह देख खुद राहुल गांधी और गहलोत भी गदगद होते हुए नजर आए। तो जैसा कि उम्मीद थी कि इस सभा पे, इस जगह पर लोग यहां पर पहुंचेंगे अपने प्रिय नेता को देखने के लिए, अपने प्रिय नेता को सुनने के लिए, हुआ यही। मौके पर 15,000 लोगों की भीड़ उमड़ी, भीड़ का उत्साह देख खुद राहुल गांधी और गहलोत भी काफी गदगद नजर आए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात राहुल गांधी की मखराना सभा की झलकियों की करते हैं। दो दिन के दौरे में भीड़ के लिहाज से सबसे हिट रही मखराना सभा, जो कि सबसे अंत में हुई। पूरी तरह हाउसफुल रहा मखराना सभा स्थल, करीब 50,000 लोगों की भीड़ उमड़ी मखराना सभा में। बड़ी संख्या में पुरुषों के साथ महिलाएं भी रही मौजूद। सभा स्थल के बाहर भी बड़ी संख्या में मौजूद थे लोग। भारी भीड़ देख राहुल, गहलोत, माकन और जुटराष्ट्र हुए गदगद। तो मैं आपको बता रही कि किस तरीके से जो मखराना सभा की झलकियां थी वो आपको बता रहे हैं। अगर पूरे दो दिन की बात की जाए तो दो दिन के दौरे में भीड़ के लिहाज से सबसे हिट रही मखराना सभा। पूरी तरह हाउसफुल रहा मखराना सभा स्थल, करीब 50,000 लोगों की भीड़ उमड़ी मखराना सभा में। बड़ी संख्या में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी इस कार्यक्रम में मौजूद रही। सभा स्थल के बाहर भी बड़ी संख्या में मौजूद थे लोग। भारी भीड़ देख राहुल, गहलोत, माकन और जुटराष्ट्र गदगद हुए। निश्चित तौर पर देखिए, जो ये लोकतंत्र है इसमें लोगों की वजह से ही कुछ भी सभा हिट या फ्लॉप होती है आप कह सकते हैं। और मखराना की अगर बात की जाए तो इस पूरे दो दिन के दौरे में भीड़ के लिहाज से सबसे हिट मखराना सभा ही रही। पूरी तरह से हाउसफुल रहा मखराना सभा स्थल। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको राहुल गांधी की रूपनगढ़ और मखराना सभा की झलकियों की बात बताते हैं, जहां राहुल ने दो दिन में चार बार घेरा केंद्र सरकार को। आज चौथी बार बोले नए कृषि कानूनों से किसान हो जाएंगे बर्बाद। ट्रैक्टर चलाकर और ऊंट गाड़ी पर सवार होकर खड़े हुए किसानों के समर्थन में पीलीबंगा और पदमपुर सभाओं में भी राहुल ने घेरा था तीनों कानून पर। कल सभाओं में खाट और मुद्दे पर बैठे नजर आए राहुल गांधी, वहीं आज ऊंट गाड़ी पर सवार हुए और ट्रैक्टर चलाते हुए भी नजर आए। अजमेर के सुरसुरा में किए तेजा जी के दर्शन और पूजा अर्चना भी। तो अगर आप पूरा खाका समझिए राहुल गांधी का, जो कार्यक्रम रहा वो इस तरह का रहा कि दो दिन में चार बार उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, जगह जगह पर भीड़ उमड़ी और हर जगह पर केंद्र सरकार को घेरने का मौका राहुल गांधी ने नहीं छोड़ा। आज चौथी बार बोले नए कृषि कानूनों से किसान हो जाएंगे बर्बाद। ट्रैक्टर चलाकर और ऊंट गाड़ी पर सवार होकर खड़े हुए किसानों के समर्थन में पीलीबंगा और पदमपुर में सभाओं में राहुल ने घेरा था तीनों कानूनों पर, जो कि कल हुआ था। वहीं आज की बात अगर करें, कल सभाओं में खाट और मुद्दे पर बैठे नजर आए, वहीं राहुल गांधी की आज की बात अगर की जाए तो ऊंट गाड़ी पर सवार हुए, साथ ही ट्रैक्टर चलाते हुए भी नजर आए। अजमेर के सुरसुरा में आज जो शुरुआत हुई थी कार्यक्रम की, वो तेजा जी के दर्शन के साथ ही हुई थी और उसके बाद ही जो कार्यक्रम था वो आगे बढ़ा था। तो कहीं ना कहीं जो कार्यक्रम है वो जबरदस्त तरीके से हिट रहा। जो मैसेज देने की कोशिश की गई थी राहुल गांधी की तरफ से, वो जबरदस्त तरीके से मैसेज पहुंचा जनता तक। तो चलिए राहुल गांधी के रूपनगढ़ और मखराना दौरे की झलकियों की बात करते हैं। पर्वत सर में प्रस्तावित सभा हो गई थी कैंसिल, लेकिन जैसे ही आज राहुल का काफिला निकला पर्वत सर से तो मौके पर सड़क किनारे थे बड़ी संख्या में लोग मौजूद। राहुल ने सीएम और पीसीसी चीफ से पूछा भीड़ के बारे में और गाड़ी में बैठे बैठे किया भीड़ का अभिवादन। लेकिन पर्वत सर विधायक राम निवास गावड़िया ने की गुहार, गाड़ी से बाहर आकर लोगों का अभिवादन करने की गुहार। ऐसे में राहुल गांधी भी नहीं रोक पाए खुद को और सड़क किनारे खड़ी ऊंट गाड़ी पर चढ़कर किया अभिवादन। ये नजारा देख मौके पर मौजूद भीड़ भी गदगद। हालांकि जुटराष्ट्र नहीं थे सुरक्षा की दृष्टि से राहुल के गाड़ी से बाहर निकलने के पक्ष में, लेकिन कार्यकर्ताओं की भावना को देखकर राहुल उतरे कार से। तो एक बार फिर से आप समझिए ये पूरा वाक्य, जब राहुल गांधी का जो कार्यक्रम था वो जरूर था पर्वत सर में, लेकिन जैसे ही आज अजमेर जिले में भी शानदार प्रोग्राम हुआ और नागौर जिले में तो
ऐतिहासिक प्रोग्राम था, 50,000 से ज़्यादा लोग आज नागौर में थे। ये अपने आप में इस बात को साबित करता है कि जो मुद्दे राहुल गांधी जी उठा रहे हैं उन मुद्दों में दम है, देश के किसान की भावना क्या है ये मोदी सरकार को समझने की ज़रूरत है। आज देश का किसान 3 महीने से सड़कों पर आंदोलन कर रहा है, पार्लियामेंट में भी अगर आवाज़ कोई उठा रहा है तो कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी उठा रहे हैं, और सड़क पे भी कोई आंदोलन उनके समर्थन में आवाज़ उठा रहे हैं तो भी राहुल गांधी उठा रहे हैं। तो देश के जनमत की भावना, किसानों की भावना उनको समझना चाहिए। सत्ता के अहंकार में जिस तरह से मोदी सरकार इनको आंदोलनजीवी बता रही है, खालिस्तानी बता रहे हैं लोग, कहीं कोई अलग अलग तरीके से अपमानित करने का जो काम कर रही है बीजेपी, मेरे ख्याल से उनको बाहर जाना चाहिए। लोकतंत्र में चाहे बहुमत आपके पास है लेकिन बहुमत का इतना घमंड भी नहीं होना चाहिए। जनता अगर आप सड़कों पर बैठी है तो जनहित में फैसले लिए जाते हैं। ये 3 काले कानून जो बिना बहस के लेके आए, ये इनको बिना किसी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाए इनको वापस लेना पड़ेगा, वरना ये आंदोलन तो फैल चुका है पूरे देश के अंदर। मंदिर के दर्शन किए आपके किसान बेल्ट में आए, राहुल गांधी क्या मैसेज गए? देखिए, राहुल गांधी जी के दो दिन का दौरा था, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों दौरों में किसानों में भारी उत्साह था। जो काले कानून भारत सरकार ने लोकसभा में पास किए हैं, पूरे देश में किसान रोडों पे है, और उसी के तहत 2 दिन का दौरा राहुल गांधी जी का राजस्थान करा। वीर तेजा जी की जो पावन धरा है उस मंदिर में राहुल गांधी जी ने दर्शन किए, आशीर्वाद लिया, और निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ कि तेजा जी की जो धरती पे उन्होंने इस आंदोलन के बारे में जो बिगल बजाया है, आने वाले दिनों में या तो भारत सरकार, केंद्र की जो सरकार है, वो इन काले कानूनों को वापस ले, वरना ये आंदोलन पूरे देश में फैलेगा। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में किसान नए रूप में इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। जिस प्रकार से उन्होंने पूरी व्याख्या के साथ में इन बिलों के बारे में बताया, निश्चित तौर पे आम जनता में उसका असर पड़ा है, और ये सबसे सफलतम दौरे 2 दिन के राजस्थान में रहे हैं। नागौर हमेशा से ही, चाहे आज़ादी से पहले की बात हो, बातचीत किसान आंदोलनों का एक केंद्र रहा है। ये बात सही है कि नागौर की धरती से राजस्थान में बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं और उनके परिणाम भी आए हैं। आज का जो राहुल गांधी जी का दौरा नागौर की धरती पर रहा है, जिस प्रकार से जनमानस और जन सैलाब वहाँ उमड़ा है किसान परिवारों का, उससे ऐसा लगता है कि ये जो काले कानून है, या तो केंद्र सरकार इनको वापस ले, नहीं एक नागौर की धरती से नई शुरुआत किसान आंदोलन के रूप में हुई है। तो आप सुन रहे थे कि किस तरीके से इस सभा के बाद जो है वो बातचीत करते हुए जो बड़े जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने अपने विचार रखे, और कहीं ना कहीं सफल जो है वो बताया जा रहा है। और जिस तरीके से ये तमाम सभाएं रही हैं उसके जो मैसेज रहे हैं वो बहुत स्ट्रांग गए हैं, और कहीं ना कहीं ये देखना भी बेहद महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले समय में इसके परिणाम कितने दूरगामी होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, रूपनगढ़ में राहुल गांधी की ट्रैक्टर रैली की झलकियों की बात करते हैं। ट्रैक्टर रैली में हुआ हैरान करने वाला वाकया, जब राहुल ने ट्रैक्टर मंच से सचिन पायलट को आना पड़ा था नीचे, कार्यक्रम स्थल पर राहुल के साथ उत्साह में मंच पर तो चले गए पायलट, लेकिन मंच पर अधिक भीड़ होते देख अजय माकन को करना पड़ा एक अनाउंस। कहा, मंच पर रहेंगे सिर्फ राहुल, गहलोत और डोटासरा, आओ हम सब नीचे चले। माकन के इतना बोलने के बाद कुछ देर तो मंच पर रुके पायलट, लेकिन थोड़ी देर बाद पायलट को आना पड़ा मंच से नीचे। अलबत्ता माकन और वेणुगोपाल ने भी मंच के नीचे ही से सुना राहुल का संबोधन। तो ये पूरा आपको वाकया बता रहे हैं जब ट्रैक्टर रैली हो रही थी, और एक वाकया जो है वो ये हुआ कि सचिन पायलट को आना पड़ा नीचे। जी हाँ, हैरान करने वाला ये वाकया, जब राहुल के ट्रैक्टर मंच से सचिन पायलट को आना पड़ा नीचे, कार्यक्रम स्थल पर राहुल के साथ उत्साह में मंच पर तो चले गए पायलट, लेकिन मंच पर अधिक भीड़ होता देख अजय माकन को करना पड़ा एक अनाउंसमेंट। कहा, मंच पर रहेंगे सिर्फ राहुल, गहलोत और डोटासरा, आओ हम सब नीचे चले। माकन के इतना बोलने के कुछ देर बाद तक तो मंच पर रुके पायलट, लेकिन थोड़ी देर बाद पायलट को मंच से नीचे आना पड़ा। अलबत्ता माकन और वेणुगोपाल ने भी मंच के नीचे से ही सुना राहुल का संबोधन।
जब समर्थकों के उत्साह से परेशान हुए सचिन पायलट। जी हां, रूपनगढ़ में जैसे ही शुरू हुआ राहुल गांधी का संबोधन, वैसे ही पायलट समर्थकों ने शुरू कर दी नारेबाजी। सचिन पायलट जिंदाबाद के लगे नारे। राहुल के संबोधन के बीच में हुई नारेबाजी से पायलट हुए परेशान। मुंह पर उंगली रखकर दर्जन भर बार पायलट ने किया इशारा। कई बार मंच के पास से लोगों को भेज भेज कर की समझाइश, लेकिन कहां मानने वाले थे पायलट के उत्साही समर्थक। राहुल के संबोधन के बीच में ही लगते रहे पायलट जिंदाबाद के नारे। क्या ये सब था कार्यकर्ताओं का अति उत्साह या कुछ और? इस बारे में अब अलग अलग तरह के लोगों के अनुमान जो है वो लगाए जा रहे हैं। तो कई बार ऐसा हुआ जब सचिन पायलट के समर्थक जो हैं वो लगातार सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। रूपनगढ़ में जैसे ही शुरू हुआ राहुल गांधी का संबोधन, वैसे ही पायलट समर्थकों ने शुरू कर दी नारेबाजी। सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगे। राहुल के संबोधन के बीच में हुई नारेबाजी से पायलट परेशान हुए। मुंह पर उंगली रखकर दर्जन भर बार पायलट ने इशारा किया। कई बार मंच के पास से लोगों को भेज भेज कर समझाइश की, लेकिन जो पायलट के उत्साही समर्थक थे वो कहां मानने वाले थे। राहुल के संबोधन के बीच में ही लगातार लगते रहे पायलट जिंदाबाद के नारे। फिर क्या था ये कार्यकर्ताओं का अति उत्साह था या कुछ और? ये बड़ा सवाल। अब इस बारे में अलग अलग लोगों के अलग अलग अनुमान भी सामने आ रहे हैं। राहुल गांधी की मकराना सभा स्थल की झलकियां, आज फिर दिखी वही पुरानी तस्वीर। राहुल के एक तरफ बैठे गहलोत, दूसरी तरफ पायलट। हालांकि सिर्फ कुछ देर के लिए ही बना ये संयोग, क्योंकि राहुल के बगल में बैठे डुटासरा खड़े हुए थे संबोधित करने। ऐसे में खाली सीट देख पायलट आ गए राहुल गांधी के पास और कुछ देर तक की राहुल गांधी के साथ चर्चा भी। लेकिन संबोधन खत्म होने के बाद वापस डुटासरा आ गए अपनी सीट पर और पायलट बैठ गए दो सीट छोड़ माखन के बगल वाली अपनी पुरानी सीट पर। तो एक ऐसा नजारा भी सामने आया जो काफी वक्त पहले ये तस्वीर हमने देखी थी, और एक बार फिर से वो पुरानी झलकियां, पुरानी तस्वीर सामने आई। राहुल के एक तरफ बैठे गहलोत, दूसरी तरफ पायलट। हालांकि सिर्फ कुछ देर के लिए ही ये संयोग बना, क्योंकि राहुल के बगल में बैठे पीसीसी चीफ डुटासरा खड़े हुए थे संबोधित करने। ऐसे में सीट खाली देख पायलट आ गए राहुल गांधी के पास और कुछ देर तक की राहुल गांधी के साथ चर्चा की। लेकिन संबोधन खत्म होने के बाद वापस डुटासरा आ गए अपनी सीट पर और पायलट बैठ गए दो सीट छोड़ माखन के बगल वाली अपनी पुरानी सीट पर। तो कहीं ना कहीं जो नजारा पहले देखने को मिलता था वो नजारा एक बार फिर से देखने को मिला। हालांकि जो समयावधि थी वो काफी कम थी इस नजारे की, लेकिन ऐसा हुआ, एक बार संयोग बना। तो चलिए, लगातार हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की, जो दो दिन का दौरा रहा है, उनकी एक एक झलकियां काफी महत्वपूर्ण रही हैं। और आपको यह समझना चाहिए कि कहां पर क्या जबरदस्त तरीके से रहा, चाहे बात रूपनगढ़ की करें हम, चाहे मकराना की बात करें, कहां पर क्या सबसे इंपॉर्टेंट रहा पूरे सभा के दौरान, पूरे जब वो संबोधित कर रहे थे उस दौरान। और हमारे सहयोगी कौशल हमारे साथ जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। कौशल, सबसे पहले बात अगर रूपनगढ़ की करें तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण ये रहा कि ट्रैक्टर रैली हुई, और इस रैली के दौरान ट्रैक्टर पर गहलोत और डोटासरा वो नजर आए और सभा स्थल पूरी तरह से हाउसफुल नजर आया था। जी देखिए, बात बिल्कुल सही है कि जिस तरह से रूपनगढ़ के अंदर अति उत्साह, या कहना चाहिए उत्साह जो था कार्यकर्ताओं का, वो वहां पर साफ देखा जा रहा था। ट्रैक्टर रैली का आयोजन वहाँ पे किया गया था, और खास बात तो ये कि उस जगह, जिस जगह मंच बनाया था, वो विशेष ट्रैक्टरों की ट्रॉलियों को आपस में जोड़कर बनाया गया था। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो दबाव की बात थी कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ लोग ज़्यादा संख्या में उसके ऊपर चढ़ जाएं और उसके बाद कहीं अनबैलेंस जैसी स्थिति हो, तो शायद इस सोच के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने इस तरह से एक वाक्य कहा कि अब सिर्फ गहलोत, अब राहुल गहलोत तो डोटासरा ही ऊपर रहेंगे, बाकी हम सब नीचे चलते हैं। तो इसे बड़े सहज रूप से दूसरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लिया, लेकिन कहीं ना कहीं ये टीस भी जरूर रही पायलट के जो समर्थक थे उनके बीच में कि पायलट साहब को नीचे आना पड़ा। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर कहीं भी किसी तरह की बड़ी बयानबाजी नहीं हुई, लेकिन जो कार्यकर्ता जो पायलट के समर्थक थे या जो गहलोत समर्थक कहलाते हैं, जिस तरह से पहले जो बिखराव या जो पहले कौशल, हम इस पर भी आएंगे, ये वाक्या बेहद महत्वपूर्ण रहा था। लेकिन अगर बात की जाए मकराना की, तो सबसे ज्यादा हाउसफुल मकराना रहा, लगभग 50,000 से ज्यादा लोग पहुंचे थे, और कहीं ना कहीं जबरदस्त उत्साह यहां पर भी नजर आया था लोगों का।
जी बिल्कुल, ये बात सही है कि जिस तरह से मकराना की सभा के अंदर जो अटूट भीड़ टूटी थी, ये 50,000 का आंकलन तो हम वो कर रहे हैं जो टेंट के अंदर लोग बैठे हुए थे, लेकिन उसके अलावा जो लोग बाहर खड़े थे उनकी संख्या भी अगर गिने तो ये संख्या और ज़्यादा होती है। कार्यकर्ताओं में जोश था, उमंग थी, और जैसे ही राहुल गांधी का काफिला मंच पर पहुंचा तो जोर जबरदस्त तरीके से नारेबाजी की गई, क्योंकि वो उत्साह देखा। और जिस संबोधन को राहुल गांधी ने आम जन आम किसानों के बीच कहा तो उसको लेके भी कई बार जो है नारेबाजी की गई। और आश्चर्य की बात तो ये कि जैसे ही भीड़ ने भारत माता की जय के नारे लगाए तो सामने वाले ने बोला भारत माता, तो राहुल गांधी ने मन से बोला जय हो। तो निश्चित रूप से अपने आप में ये किसानों के प्रति जो राहुल गांधी का समर्पण है वो यहाँ पर देखा गया। जी बिल्कुल। और देखिए कौशल, सबसे बड़ी बात ये भी है कि कल से लेकर अगर आज तक की बात करें, बहुत कुछ बदला। कल की सभाओं में जहाँ खाट और मुड्डे पर बैठे नजर आए, वहीं आज ऊंट गाड़ी पर सवार हुए, ट्रैक्टर चलाते हुए भी नजर आए। अंदाज हर जगह अलग था कौशल, लेकिन जो तरीका तो वो बिल्कुल एक, केंद्र सरकार पर पूरी तरह हावी नजर आए राहुल गांधी। जी देखिए, बात बिल्कुल सही है कि जिस अंदाज में राहुल गांधी ने आज अजमेर संभाग के दो जिलों के दौरे किए, अजमेर और नागौर जिले के अंदर, वो अपने आप में बिल्कुल ऐसा था कि अगर आपको किसान की बात करनी है तो आपको सड़क पर आना पड़ेगा, आपको खेत में जाना पड़ेगा, आपको उसके पूरे क्रियाकलाप के साथ में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, वो सब कुछ यहाँ दिखाई दिया। राहुल गांधी ने ये पूरा और खुलकर मैसेज दिया कि कांग्रेस जो है वास्तव में किसानों के साथ है, किसानों का हित सोच रही है, और ये जो तीनों काले कानून जो जिसकी बात की जा रही है किसानों के माध्यम से आंदोलन के रूप में, उसे हटाने की बात भी यहाँ पे की गई। तो निश्चित रूप से देखिए, बैलगाड़ी में किसान सवार होता है तो उसकी हौसला अफजाई की वहाँ पे राहुल गांधी ने ऊंट गाड़ी में सवार होके, ट्रैक्टर किसान का रोजी रोटी का जरिया है और वो उसको चला के ही अपनी रोजी रोटी कमाता है, तो निश्चित रूप से एक ट्रैक्टर के ऊपर सवार होके भी राहुल गांधी ने ये मैसेज दिया कि कांग्रेस का हर एक छोटे से छोटा हिस्सा भी किसानों के समर्थन में और किसानों के साथ खड़ा है। जी बिल्कुल। और देखिए कौशल, अगर आगे बढ़े हम, कई बार ऐसा होता है जो बड़े जनप्रतिनिधि होते हैं उनका कई बार कुछ कार्यक्रम कैंसिल भी हो जाता है। बात पर्वत सर की करें अगर, कौशल यहाँ पर कार्यक्रम था लेकिन हो नहीं पाया, लेकिन बावजूद इसके राहुल काफिले से निकलते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, और ये उनका एक प्यार नजर आता है जनता के प्रति, और ये सचमुच काबिले तारीफ। जी ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से, जिस सुरक्षा घेरे में राहुल गांधी यहाँ पर पहुँचे थे, वो सुरक्षा घेरा Z+ कहलाता है, और इसमें किसी भी आम व्यक्ति को वहाँ तक पहुँचने की अनुमति नहीं होती, और कहीं ना कहीं VIPs को भी ये कहा जाता है कि इस घेरे को आप न तोड़ें। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से लोगों के बीच में राहुल ने अपने प्रति उत्साह देखा, अपने प्रति, तो वो अपने आप को नहीं रोक पाए और उस गाड़ी के अंदर से उतरे, और जो खास तौर पर ऊंट गाड़ी तैयार की गई थी राहुल के लिए, उस ऊंट गाड़ी के अंदर बैठे भी। यहाँ पर ये भी बता दूं आपको कि परबसर की जो सभा थी उस सभा को निरस्त किया गया था, उस सभा के अंदर बदलाव किए गए, लेकिन वहाँ की जो ग्रामीण जनता थी, वहाँ का जो किसान था, उसका जोश बरकरार था, तो उन्होंने किसान सभा के बदले उस सड़क मार्ग पर ही बैरिकेडिंग के अंदर रह के अपनी संख्या दिखाई, और इस संख्या को देख राहुल ही नहीं, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित जो बड़े नेता थे कांग्रेस के शामिल, वो सब गदगद हुए, और उनको जनता के इस उत्साह और इस प्यार के आगे उनको रुकना पड़ा। और यहाँ बिल्कुल बिल्कुल कौशल, लगातार बने रहिए, और हम एक एक झलकियों पर हम अपने सहयोगी कौशल से लगातार बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बेहद जरूरी हो जाता है जब इस तरह का एक जनप्रतिनिधि आपके बीच में आए, और कहीं ना कहीं कई सारी चीजें हुई हैं, कई सारी बातें ऐसी हुई जिस पर चर्चा जरूरी है, लगातार हम बातचीत भी करें छोटे से